बैक टू माई चैनल प्रैप किड्स एंड दिस इज चंचल सेयर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ होम डेकोर के लिए एक ऐसा आइडिया जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। सबसे बड़ी बात, जब हम इसे मार्केट से लेते हैं तो ये मिलता है आपको 500 या फिर 1000 के आसपास, पर आप इसे घर पे बना सकते हैं अंडर 50 रुपीज। जी हाँ, आप इसे 50 रुपए के अंदर ही घर में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और मैं बात कर रही हूँ कैनवस बोर्ड के बारे में। आपको भी पता होगा, अगर आप पेंटिंग या कलर्स के बहुत शौकीन हैं मेरी तरह, अगर आपको पेंटिंग और कलर्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो आपको भी पता होगा अच्छे 500 या 1000 रुपीज़ में आपको ये बाहर से मिलेगी, पर आप इसे इजीली अपने घर में बना सकते हैं लाइक दिस, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है इसे, और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर चॉइस कर सकते हैं, यानी कि अपने वॉल के अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको वॉल अच्छी लगती है उस वॉल पे लगाएं और अपने घर में लगा दें 4 चार। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड। आप किसी भी साइज का कार्डबोर्ड ले सकते हैं, उसे स्क्वायर में या रेक्टेंगल वे में, आप खुद आपको जैसा लगता है उस हिसाब से काट लीजिए। सेकेंड चीज़ है बुकरम, जो कि आप शायद जानते होंगे, आपको ये इजीली मिल जाएगा। जहाँ पे थ्रेड वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आपको ये बुकरम मिल जाएगा। जो शर्ट बनती है उसके कॉलर में और कफ में, यानी कि बाजू में भी बहुत यूज़ होता है, और सलवार में भी नीचे पौचे जो होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बुकरम। मैं पहले इसके साइज़ का एक बुकरम का पीस काट लेती हूँ। इतना हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए 4 साइड से, तो पहले मैं वो कट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे काट लिया है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे फेविकॉल। इतना बहुत है। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा घोटाला करना जरूरी है, इसमें पानी मिलाना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा थिक है अभी, और हमें थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। देख सकते हैं थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी है इसकी, तो मैं इसे फटाफट से कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ उसके बाद। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं इसे कट करूँगी और इधर से पेस्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इसे उल्टा करेंगे लाइक दिस। अब हम इसे साइड से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। यहाँ पे भी फेविकॉल लगा के इसे पेस्ट करेंगे अच्छे से लाइक दिस। अब आपको ये सारा ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब इसको 15 मिनट्स देंगे हम रेस्ट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ओके, तो ये हो चुका है अच्छे से ड्राई, आप देख सकते हैं। अब हम अपना लाएंगे जादू का पिटारा, यानी कि कलर्स। आई एम ऑलवेज हैप्पी विद माई कलर्स, बिकॉज एज अ प्राइमरी टीचर मैं हमेशा कलर को बहुत प्रेफर करती हूँ। जैसे कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं कलर्स, सेम मेरी तरह, और मुझे भी बच्चों की तरह कलर्स बहुत पसंद हैं। हम कुछ वैसे कलर्स निकालेंगे जो हमारे काम के हैं,
जैसे कि जो मेरी वॉल है वो ऑरेंज कलर की है, तो यहाँ पे मैं उससे थोड़े डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी, रेड और ऑरेंज को नहीं यूज़ करूँगी। अगर मैंने उसको यूज़ किया तो फिर वो थोड़ा मैसी सा लगेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं थोड़े हटके कलर यूज़ करूँ। लाइक तो ये वो कलर्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर मैं डॉम्स के पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे कलर्स यूज़ ना करें, क्योंकि ये फेड हो जाएंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप कोई दूसरे टाइप्स के कलर्स यूज़ करें, या आप कोई भी फैब्रिक कलर यूज़ कर सकते हैं, वो फेड नहीं होगा, ये बहुत जल्दी फेड हो जाएगा। तो हम इन्हें बांट लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिया है येलो कलर, और यहाँ ब्लैक, डार्क ब्लू, ब्लू, डार्क ग्रीन, ग्रीन। येलो को मैंने सबसे अलग सेपरेट जगह दिया बैठने के लिए, नहीं तो फिर अगर वो मिक्स हो जाए तो रायता फैल जाएगा, इसलिए हमने इसे अलग रखा है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड काम जो हमें करना है। आप ऐसे स्टेशनरी से कोई सी भी टेप ले सकते हैं जो कि इजीली आपको 5 या 10 रुपए में मिल जाएगी। यहाँ पे वैसे हमें पेपर टेप यूज़ करनी चाहिए, पर उसका जो कॉस्ट होता है वही 30 to 35 से स्टार्टिंग होती है। इससे अच्छा है हम इसको यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे सिंगल यूज़ करूँगी, आप चाहे तो डबल भी कर सकते हैं। कलर स्टार्ट कर रही हूँ तो, और यहाँ मैं येलो यूज कर रही हूँ। आपको सारे कलर कंप्लीट करने के बाद, सो इट्स डन। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, देन मिलती हूं उसके बाद। तो ये हो चुका है ड्राई, अब हम इसकी टेप को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी साइड वाली टेप्स को निकालेंगे। बहुत ध्यान से टेप निकालनी है कि कौन सी टेप हमने पहले लगाई थी। सो इट्स डन, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, और आप अगर इसे अपनी वॉल पे लगाएंगे तो आई एम श्योर आपके घर में भी 4 चांद लग जाएंगे। और जो प्लेन वॉल आप उस पे लगाइए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप ये बना रहे हैं कलर कोलाज, उसके अंदर वो कलर नहीं हो जो आपकी वॉल पे हो रखा है, नहीं तो फिर ये
उभर के नहीं आएगा। अगर आप कुछ ऐसे कलर यूज़ कर सकते हैं करें, जैसे कि अगर आपकी जो वॉल है वो रेड कलर की है तो आप रेड कलर छोड़ के यहाँ पे सारे कलर यूज़ कीजिए। फिर आपकी जो वॉल है वो ब्लैक कलर की है तो ब्लैक कलर छोड़ के सारे कलर यूज़ कीजिए। ग्रीन कलर की है तो ग्रीन छोड़ के बाकी सारे कलर यूज़ कीजिए। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये, एंड आई एम श्योर कि आपको भी ये बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा है, क्योंकि ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये कैनवस बोर्ड बहुत ही पसंद आया होगा मेरी तरह। अगर आप भी कलर्स के शौकीन हैं तो आपको बहुत पसंद आने वाला है वीडियो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कैनवस बोर्ड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।